मेरा नाम विक्रांत चौधरी है, मैं 23 साल का हूँ और प्रॉपर नागपुर से बिलोंग करता हूँ। बॉम्बे कुछ 4 साल पहले आया था, कुछ थोड़ा बहुत वर्क किया है इंडस्ट्री में, फिर एक्टिंग के लिए आया तो पता चला कि एक्टिंग सीखनी पड़ती है। पहले तो ऐसा लगता था कि एक्टिंग बस हो जाती है, कुछ भी कर दो जाके, बहुत ईजी जॉब है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, काफ़ी टफ जॉब है। क्रिएटिंग कैरेक्टर्स के बारे में मुझे मेरे चाचा ने बताया, जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। मैं आया यहाँ पे, पहले दिन एडमिशन लिया और जैसे जैसे बैचेस ज्वाइन किए हम लोगों ने, मैंने बैच ज्वाइन किया, जैसे जैसे 5 महीने का सफ़र जो चलता रहा, इस 5 महीनों में मैंने ये जाना कि है कुछ तो है, बहुत टफ जॉब है, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। एक्टिंग वो नहीं है जो हम लोग सोचते हैं कि बस यार आओ कैमरे के सामने कर दो कुछ तो भी और वो एक्टिंग कहलाएगी। कई साल की मेहनत, कई चीज़ों का ज्ञान लगता है इसके लिए। जो ये इंस्टीट्यूट में मैं आया क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, 5 महीने अपने ज़िंदगी के यहाँ पे दिए, अब मुझे लगता है कि सही टाइम मैंने सही जगह दिया। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँगा कि बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, बट या इट्स द बेस्ट अमॉन्ग द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, स्टाफ बहुत बेहतर है, जो हमें फैकल्टीज़ मिलती है वो इंडस्ट्री के बहुत अच्छे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। समर सर, रुपेश सर, बात ही नहीं कुछ, इन लोगों का नेक्स्ट लेवल पढ़ाने का तरीका, आपको ग्रूमिंग कैसे करेंगे, आपको जो चीज़ बताएंगे, सही रास्ता बताएंगे। हम जो भी करते थे काफ़ी डांट मिलती थी, काफ़ी सही चीज़ें पता चली है। एक्टिंग होती क्या है, इस चीज़ की डेफिनेशन हमें यहाँ पता चली है। जो भी है, हम जो भी सीखे 5 महीने में, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन एक आइडिया मिल चुका है कि एक्टिंग होती क्या है, करना क्या पड़ता है, खुद पे काम करना पड़ता है। सबसे मेन चीज़ तो खुद पे काम करना पड़ेगा, फिर खुद को नरिश करना पड़ेगा नॉलेज, बुक्स, ये वो बहुत सी चीज़ें। फ्री फैकल्टी है, कभी भी आओ, अगर ऐसा लगता है कि हम आज नहीं सीख पाए तो फिर आके सीख सकते हैं, कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है, तुम दिन भर में कभी भी आ सकते हो। लाइब्रेरी है, बुक्स अवेलेबल है, हर चीज़ ये फैकल्टी हमें हर चीज़ वो प्रोवाइड करती है, इंस्टीट्यूट हमें हर चीज़ प्रोवाइड करता है जो भी हमें ज़रूरत होती है। सर को जहाँ पे भी लगता है कि हाँ ये चीज़ की कमी है, सर तुरंत वो चीज़ बता देंगे, तुम्हें डांटेंगे, सिखाएंगे, हंसी मजाक होगी, घर जैसा एनवायरमेंट हो जाता है। एंड ऑफ द डे यही है कि आप यहाँ से कुछ लेके निकलते हो, बहुत कुछ लेके निकलते हो, बस बाकी तो फिर खुद पे वर्क है, जो कि हमने यहाँ पे सीखा है कि खुद को नरिश कैसे करेंगे, खुद पे काम कैसे करेंगे। और इंस्टीट्यूट तो मुझे बेसिकली, अगर मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो मुझे इंस्टीट्यूट बहुत पसंद आया। जितने भी मेरे बाकी भी फ्रेंड्स हैं जो विसलिंग वुड से है, जो किशोर नमित कपूर से हैं, सब इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, लेकिन मुझे अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो बेसिकली मुझे ये एनवायरमेंट जो मिला हमें 5 महीनों में, जो चीज़ें मिली, जो चीज़ें हमने यहाँ से सीखी, जो चीज़ें हमें मिली है यहाँ पे आके, वो मुझे बेहतर लगी है। मतलब यहाँ पे जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं सर्स, जो अदर फैकल्टीज़ आती हैं बाहर से, जो सर्स आते हैं वो लोग जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो वर्थ इट है, और हमने जो अपने 5 महीने दिए हैं वो भी वर्थ इट है। कोर्स पूरा हो जाए तो स्टूडेंट्स और सर्स का रिश्ता या जो भी है कनेक्शन वो टूट जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको अगर कोई चीज़ लगती है कि बाद में सीख सकते हैं आप, और कुछ मिस हो गया है ये 5 महीनों में हमारा, तो फिर हम कभी भी लाइफ टाइम यहाँ पे आके फिर से वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, सर हमें मौका देते हैं फिर से सीखने का, तो फीस भी नहीं लेंगे दोबारा। वो चीज़ अच्छी है, मतलब आपको एक एनवायरमेंट प्रॉपर मिल जाएगा आपको सीखने के लिए, आप जो भी सीखना चाहे, जो भी डाउट्स है डायरेक्ट सर को कॉल कर लीजिए, डायरेक्ट आ जाइए, हमको वो एक सटीक चीज़ मिल जाती है कि हाँ ये चीज़ है जो यहाँ पे सीखनी है, एक तरीका मिल जाता है इंडस्ट्री में कैसे काम होता है क्या नहीं, हर चीज़ हमको, मतलब ये इंस्टीट्यूट में कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, तुम जो चाहो सीख लो यहाँ से, बस यहाँ पे सीख सकते हो, अगर सीखने की इच्छा हो तो हर चीज़ सीख लो। सर्स फैकल्टी सब बेस्ट है, बेस्ट इंस्टीट्यूट।